आपको कहीं से पता चला कि मल्टीविटामिन टैबलेट के लिए आप न्यूरोबियन फोर्टे टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बी कॉम्प्लेक्स के लिए, और आप जाके केमिस्ट से सीधा उठा के ले आए घर पे, आपने पहले से ही आपको किसी ने कह दिया था या फिर आपने कोई वीडियो देख ली थी इसलिए आप उसे डायरेक्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा करके आप अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। वो कैसे, आप इसके बारे में जानने के लिए इस पूरी वीडियो को आराम से देखते रहिए और समझते रहिए एक एक बात को। मैं आपको बहुत ही नॉलेज वाली बात यहाँ पे बताऊंगा डिटेल के साथ में, किस तरह से इसे लेना चाहिए, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, किन बीमारियों में लेना चाहिए और किन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो नीचे जाइए, रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसका फैन बेनिफिट ये होगा, फ्यूचर में मैं कोई भी इंटरेस्टिंग और हेल्थ से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप हमारे वीडियो तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। बी हेल्दी इंडिया पे हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑल अबाउट मेडिसिन। इसमें हम आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, और ये सारी वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए होगी और सोशल अवेयरनेस के लिए होगी। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, विदाउट डॉक्टर के परमिशन के आप कोई भी दवाई ले रहे हैं। न्यूरोबियन फोर्टे टैबलेट दो टाइप के स्टेप्स में आती है, एक तो 30 टैबलेट के साथ में और दूसरा आता है ये 10 टैबलेट के साथ में। अगर 10 टैबलेट्स की बात की जाए तो इसका जो MRP है वो सिर्फ 8 रुपये है, जो कि बहुत ही सस्ती है, 1 रुपये से भी कम है, और इसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है जिसका नाम है मर्क लिमिटेड, जिसे जो ये बनाती है। चलिए अब इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। इसमें है कैल्शियम पैथाथोनिक, विटामिन B6, B3, B1 और B12। ये एक मल्टीविटामिन है, बेसिकली ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके साथ में अगर किसी को अर्थराइटिस है लंबे समय तक तो उसकी नसों में भी कमजोरी आ जाती है, इस हालत में भी उसको ये प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। आजकल की फास्ट भाग दौड़ वाली लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल डिसऑर्डर, ऐसी कंडीशन में इसे दवाई कारगर होती है। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आपके बाल झड़ रहे हैं, तो इसमें आप इस विटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी में विटामिन की कमी को पूरा करेगा जिससे आपके हेयर फॉल में गिरावट आएगी। साथ में मैंने हेयर फॉल के ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियो बना रखी है, बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप जरूर जाके एक बार देखिएगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा, नीचे आपको मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके मुंह में बार बार छाले पड़ने लगे तो आप समझ जाइए आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी है और आपको इस विटामिन लेने की जरूरत है। अगर जिसको टीवी हो जाता है तो उनकी जो दवाइयों का डोज होता है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, इतनी हैवी डोज लेने की वजह से कभी कभी उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो उन परेशानियों को कम करने के लिए भी न्यूरोबियन फोर्टे टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं ये अपना काम कैसे करता है आपके बॉडी के ऊपर। आपके जो सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। आपकी बॉडी में ग्लूटाथियोन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसके लेवल को ये बढ़ाता है, उसकी वजह से आपके जो सेल्स को कुछ भी नुकसान होता है डैमेज से ये उसको बचा देता है। अब इसकी दूसरी खास बात यह है कि ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है जिससे आपकी बॉडी का जो भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम हो जाता है। ऐसा होने के बाद लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, जो आपके लिए फायदेमंद है। अगर आपकी वेंस, जो आपकी नसें हैं, अगर वो किसी तरह से कमजोर पड़ जाए, डैमेज हो जाए बढ़ती उम्र की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से, तो ये न्यूरोबियन टैबलेट फोर्टे अगर आप लेते हैं तो इसको लेने के बाद वो फिर से आपकी जो नसें हैं वो रिजनरेट हो जाएंगी और फिर से अच्छे से काम करने लगेंगी। इन लोगों की दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है जिसकी वजह से उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है, तो उस ब्लड बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को ये रिलैक्स करता है, आपके हार्ट की जो मसल्स हैं उन्हें रिलैक्स करता है जिसकी वजह से आपकी जो हार्ट बीट होती है वो नॉर्मल हो जाती है। साथ में न्यूरोबियन टैबलेट आपकी जो दिमाग की जो नसें होती है उनको भी ये तरोताजा कर देता है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक तो मैं इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट बता रहा था, अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि इसका डोज कितना लेना चाहिए और इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें ताकि आप भूल ना जाएं। इस टैबलेट से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है बिकॉज इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी वजह से जब आप यूरिन करने जाते हैं उसमें येलो कलर होता है उसका, और साथ में गंदी बदबू भी आती है उसमें से। इसकी डोसेज की अगर बात की जाए तो इसे आप दिन में एक बार ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 बार।
अगर आप इसे दो बार से भी ज्यादा लेते हैं तो इसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ में इसको खाने के तुरंत बाद लेना चाहिए, उससे इसका मैक्सिमम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। न्यूरोबियन फोर्टे टैबलेट जब भी लिया जाता है तो 1 से 2 हफ्ते तक कंटिन्यूस लिया जाता है, और इसका एक कोर्स भी होता है 3 से 6 महीने का, वो आपको डॉक्टर ही बताएंगे उसके बारे में। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो अगर आप कोई अदर मेडिसिन लेते हैं उसके साथ में इसको लेते हैं, इसका जो इंटरेक्ट होगा तो फिर इससे आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। इसका ओवरडोज अगर आपने ले लिया तो उससे आपको पैरालिसिस हो सकता है, मतलब आपके हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर सकते हैं, ऐसे सिम्टम्स इसमें पाए जाते हैं। पैनक्रियास डैमेज हो जाता है और आगे चल के आपको डायबिटीज भी हो सकता है। जब आप इसे लेना शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो शरीर है वो फूल रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है, बट अगर आप न्यूरोबियन टैबलेट के साथ में अलग से कैल्शियम टैबलेट भी ले रहे हैं तो आपको किडनी स्टोन हो सकता है, इसलिए आप डॉक्टर से पूछ ले। जिन लोगों को भी फिट आता है यानी कि मिर्गी का दौरा पड़ता है उन्हें ये टैबलेट बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। जिन्हें हार्ट अटैक आया हुआ है कुछ दिन पहले, जो वुमेन्स प्रेग्नेंट है या फिर चिल्ड्रेन है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर से पूछ के ही इस दवा को ले, बिना डॉक्टर से पूछे इसे कभी भी ना ले। तो ये वीडियो थी आपके लिए जो हमने एक छोटी छोटी जानकारी इसके बारे में आपको बताई, सारी जानकारी। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक ठोक दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, जय भारत।